गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास ऑफ जिक्स एंड फिक्सर ओके बच्चों तो आपको पता है आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एंड फिक्सर आसान टॉपिक है मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है बट कंफ्यूजन इतना ज्यादा रहता है कि अगर जरा सा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो फिर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगने लगता है थोड़ा क्या काफी मुश्किल दो ही चीजें आप पढ़ते हैं जिक्स एंड फिक्सन में उनकी फंक्शनिंग इसके अलावा कुछ और पढ़ना पढ़ते ही नहीं हम और अगर कुछ क्वेश्चन हट के आता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट मुश्किल हो जात, होता चला जाता है क्वेश्चन कि भैया कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका अलग आ गया आउट ऑफ सिलेबस ऐसा लगने लगता है ठीक है तो उसी चीज को दूर करेंगे आज ठीक है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम किसी भी टॉपिक को किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली जो है वो कवर करेंगे चाहे दो क्लास लगे चाहे तीन क्लास लगे मैटर मैंने आपसे बताया है। ठीक है ओके <coughs> okay. हा टाइप्स में बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल चलिए शुरू करते हैं देखो आजकल जो प्रोडक्शन हो रहा है सबसे पहले नीड समझते हैं जिक्सन एंड की नीड क्या है ये बहुत जरूरी है जानना तो आजकल ये जो ट्रेंड है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोशिश ये करती है कंपनी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट बने यानी कि उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो आई एम सॉरी एक सेकेंड एक्यूरेसी hmm. बहुत हाई हो सबसे पहली चीज ठीक है यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो एक्यूरेट बने ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया फिर अगली बार उसकी जैसा जब दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो दोनों के डायमेंशन में फर्क आ गया नहीं एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज होती है इंटरचेंजिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसको याद रखिएगा इंटरचेंजिबिलिटी यह है मान लीजिए कोई नट एंड बोल्ट है वो आपने बनाया आपने उसे उठाकर अपने प्रोडक्ट में लगा प्रोडक्ट यूज के लिए मार्केट में आ गया किसी कंज्यूमर ने उसे खरीदा और उसे अपने घर पर या अपने ऑफिस में यूज कर रहा है एक दिन अचानक वो नट एंड बोल्ट टूट जाता है या खराब हो जाता है वट तो तब उसे दूसरा नट एंड बोल्ट चाहिए ना दूसरा नट एंड बोल्ट चाहिए तो वो नट एंड बिल्कुल सेम उसके जैसा मिले इस बात को कौन करता है डिसाइड उस बात को डिसाइड करती है इंटरचेंजिबिलिटी इंटरचेंजिबिलिटी आपका जो प्रोडक्ट है वो बार बार एक जैसा ही बने क्योंकि इस प्रोडक्ट को काफी लंबे समय तक रहना है मार्केट में तो उसको मतलब फिक्स कर देता है कि हां इसके जैसा खराब होने पर भी मिल जाएगा इसे कहते हैं और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो है इकोनॉमिक प्रोडक्शन रेट प्रोडक्शन रेट जो है यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका बनने का जो रेट है वो इकोनॉमिक हो ना तो बहुत कम हो कि महंगा पड़ जाए ना बहुत ज्यादा हो कि वर्कर एग्जॉस्ट हो रहे हैं फैक्ट्री में कुछ अलग अलग फॉल्ट हो रहे हैं ऐसा भी ना हो एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन रेट की जरूरत होती है तो उन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए हमें जिक्स एंड फिक्चर की जरूरत पड़ती है जिग्स एंड फिक्सर एक प्रकार की टूलिंग है एक तरह की टूलिंग है जिसकी मदद से हम यह तय करते हैं कि हर बार कंपोनेंट एक्यूरेट बने इंटरचेंजेबल यानी कि अगर इस जिग का कोई कंपोनेंट उठाकर या फिक्सर का कंपोनेंट उठाकर कहीं और लगा दिया जाए तो प्रॉब्लम ना हो ऐसा ना हो कि आपने इंदौर से कुछ खरीदा और उसकी मशीनिंग यहां नहीं हो पा रही वो यहां पर रिपेयर नहीं हो पा रहा तो इंटरचेंजेबिलिटी को ये इंश्योर करते हैं जिक्स एंड फिक्सर ठीक है तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिक्स एंड फिक्सर ही इन तीनों एम के लिए जरूरी है ठीक है इसमें जिक्स तो है ही फिक्सर भी है ही. कुछ स्पेशल टूल होते हैं लाइक ब्रॉचिंग टूल गियर शेपिंग टूल स्पेशल क्लास ऑफ टैप्स टैप्स जानते हैं ना हैंड टैप जिससे इंटरनल थ्रेड बनाते हैं टैप से क्या बनाते हैं बच्चों हम इंटरनल इंटरनल थ्रेड ठीक है इंटरनल थ्रेड्स बनाते हैं और रीमर्स रीमर्स भी आपको पता है फिनिशिंग के लिए यूज होते हैं होल फिनिशिंग के लिए और कुछ गेजेस कुछ गेजेस तो ये चार ऐसी चीजें हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये तीनों एम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर ले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अचीव कर ले बच्चों बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिम सर कंटेंट हिंदी में नहीं नहीं बेटा हिंदी में नहीं होगा कंटेंट आई एम सॉरी हिंदी में नहीं है मेरे बच्चे ठीक है गेजेस आपको पता है ना गो गेज नो गो गेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाऊंगा मैं आपको डोंट वरी इनको समझेंगे अच्छे से इनकी इनकी डिजाइनिंग भी करके देखेंगे तभी चीजें क्लियर होती है असल में कंपटीशन की वजह से हम चीजों को छोड़ छोड़ के पढ़ने लगे हैं इससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता हाँ ये बात है अगर कॉन्सेप्ट बनाना स्पेशली इन टेक्निकल एजुकेशन तो चीजों को थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ता है चाहे वो आपके एग्जाम में ना आए लेकिन वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है चलिए खैर वो तब देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे तो ये चार चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है ठीक है तो अब यहां पर जिक्स एंड फिक्सर की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं वो ये है बच्चों, वो ये है कि जिक्स एंड फिक्सर आर प्रोडक्शन टूल याद रखना ये प्रोडक्शन टूल है विच आर यूज टू एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट एंड इंटरचेंजेबल पार्ट जिक्सन फिक्चर की मदद से क्या होता है दो चीजें होती हैं एक तो डुप्लीकेट पार्ट बनता है डुप्लीकेट पार्ट बच्चों याद रखना डुप्लीकेट पार्ट बनता है बिल्कुल उसके ही जैसा, जैसा सबसे पहले बना था बिल्कुल उसके ही जैसा और दूसरा इंटरचेंजेबल पार्ट यानी कि अगर एक पार्ट खराब हो गया जो दूसरा बना उससे आप इंटरचेंज कर दो या कभी कभार ऐसा भी होता होगा आपने नोटिस किया होगा कि भैया आप एक काम करो जो इंटरचेंजेबल पार्ट है इसका यह भी मतलब होता है कि अगर यह नहीं लग रहा तो यह लगा सकते हैं क्या वो कहेगा हाँ लगा सकते हैं यह वो इंटरचेंजेबिलिटी है ठीक है तो अब याद रखना जिक्स एंड फिक्सर हर पार्ट के लिए हमेशा डिजाइन होता है अलग से जो पार्ट आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसमें हमेशा हां बिल्कुल है क्यों नहीं है क्यों नहीं है मुमताज बिल्कुल है बेटा ठीक है हां तो जिक्स एंड फिक्सर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं हर बार हर बार याद रखना ठीक है हां हर बार इन्हें डिजाइन किया जाता है ये भी याद रखना ठीक है अब याद रखना कटिंग टूल और जॉब के बीच अगर करेक्ट अलाइनमेंट आपको करना है क्या करना है करेक्ट अलाइनमेंट यानी कि कटिंग टूल वहीं पर जाए जहां उसे ऑपरेशन करना है तब हम जिक्स एंड फिक्सर का यूज करते हैं तो जिक्स एंड फिक्सर जो है इज ऑल अबाउट कटिंग टूल एंड वर्क पीस अब ध्यान से सुनना मेरी बात कटिंग टूल वर्क पीस की रिलेटिव पोजिशन फिक्स करने के लिए जिक्स एंड फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं इससे डुप्लीकेट पार्ट बनते हैं इंटरचेंजेबल पार्ट बनते हैं ठीक है और दूसरा प्रोडक्टिविटी रेट ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी रेट ये इंक्रीज करता है याद रखना हर कंपोनेंट के लिए जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके लिए पहले जिक्स एंड फिक्सर डिजाइन किए जाते हैं और इसी को हम कहते हैं टूल डिजाइनिंग क्या कहते हैं बच्चों टूल डिजाइनिंग टूल डिजाइनिंग कहते हैं बच्चों इसी को हम टूल डिजाइनिंग भी कहते हैं याद रखना ठीक है इसी को हम टूल डिजाइनिंग भी कहते हैं ओके बच्चों हां चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जिक्स की सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों जिक्स की बात करेंगे जिक्स जिक्स क्या होता है याद रखना जिक्स एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है वर्क मतलब वर्क पीस जॉब जो जॉब होता है उसको होल्ड करने के लिए हमें जिक की जरूरत पड़ती है ठीक है इसके दो फंक्शन होते हैं एक तो सपोर्ट करना और एक लोकेट करना सपोर्ट करना और लोकेट करना किसे वर्क पीस को ये भी याद रखिएगा वर्क पीस को तो इट इज यूज टू सपोर्ट एंड टू लोकेट वर्क पीस वर्क पीस पहला इसका काम ये है सपोर्ट करना लोकेट करना किसे वर्क पीस को याद रखना चाहे जिग हो चाहे पिक्चर हो दोनों वर्क होल्डिंग के काम में आते हैं टूल होल्डिंग के काम में नहीं आते याद रखना मेरी बात बड़ा कंफ्यूजन है इसमें बड़ा कंफ्यूजन है ठीक है दीज आर वर्क होल्डिंग डिवाइस लेकिन जिग और फिक्शन में कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा पहले ये समझते हैं कि जिग का काम होता है वर्कपीस को सपोर्ट और लोकेट करना लोकेट मतलब कि कहां कहा पर मुझे ऑपरेशन करना है अब कटिंग टूल उसी जगह पे ऑपरेशन करे जहां जरूरत है वो काम भी जिग करता है एंड इट गाइड्स द कटिंग टूल एंड इट गाइड द कटिंग टूल फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन तो एक्चुअली जिग के दो काम हो गए सबसे पहला काम हो गया बच्चों टू सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस द वर्क पीस यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है यही पूछा जाता है जनरली ओके okay? दूसरा टू गाइड टू गाइड कटिंग टूल कटिंग टूल को गाइड करना कटिंग टूल को गाइड करना हाँ बिल्कुल बेटा मास प्रोडक्शन सतेंद्र बिल्कुल सही है आपका वेरी गुड ओके ठीक है तो ये आपको याद रखने हैं, दो काम होते हैं ठीक है अब <coughs> याद रखना जिग में ना हार्ड एंड स्टील हार्ड एंड मतलब हीट ट्रीटेड स्टील आप कह सकते हैं हार्ड एंड स्टील बुश यूज होते हैं चीज हमेशा याद रखना जिग्स में हमेशा हमेशा क्या पाया जाता है बच्चों बुश अभी क्या होता है बुश क्या इसका यूज होता है ये आगे देखें बुश यूज होता है और यही बुश यही बुश कटिंग टूल को गाइड करता है यही बुश कटिंग टूल को गाइड करता है यहां पे डायग्राम में ध्यान से देखिए दिस इज योर ड्रिल बिट यह आपका ड्रिल बिट है जो रोटेट हो रहा है यह ड्रिल बिट है बीच में और ये जो है बाहर ये वाला हिस्सा ये ये बुश है बच्चों अब देखिए बुश में एक होल बना हुआ है जिसमें ड्रिल बिट अंदर जा रहा है तो इसका ये मतलब है ड्रिल बिट ना दाए जा सकता है ना बाए जा सकता है इसी को कहते हैं गाइडिंग ऑफ कटिंग टूल और गाइडिंग ऑफ कटिंग टूल का, का काम कौन कर रहा है बच्चों बुश कर रहा है बुश कर रहा है ठीक है तो एक तरह से ये अब देखिए हमेशा होल ना यहीं पर होगा हमेशा होल यहीं पर होगा आपको वर्कपीस लगाना है आपको वर्कपीस लगाना है बुश लगाना है ड्रिल कर देना है तो हमेशा यहीं होगा आपको बार बार मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको बार बार मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है तो इससे क्या बढ़ी इससे रिपीटेबिलिटी बढ़ गई रिपीटेबिलिटी बढ़ गई इससे एक्यूरेसी बढ़ गई इससे इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ गई और जब ये तीनों चीजें बढ़ जाती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना ज्यादा होना शुरू हो जाता है प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाता है समझ में आ गई बात बेटा इन सब क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए मेक इट इजी लाइव क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब क्लासेस में ई e नोट्स या ई e बुक्स का एक वो आता है सेक्शन उस पर क्लिक कीजिए सारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी लेकिन पीडीएफ तभी डालूंगा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ओके ठीक है तो आपको जिक समझ में आएगा जिग के दो फंक्शन समझ में आए टू सपोर्ट एंड लोकेट द वर्क पीस टू गाइड द कटिंग टूल ठीक जिग में पाया जाता है बुश और इसी बुश की वजह से कटिंग टूल को गाइड किया जाता है सो दिस इज द बुश बुश यूज करने की वजह से तीन चीजें बहुत हाई हो जाती हैं रिपीटेबिलिटी एक्यूरेसी एंड इंटरचेंजेबिलिटी और ये तीनों चीजें जब हाई हो जाएंगी तो प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत हाई हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों अब याद रखना जिक्स जो है वो जनरली ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं जिक्स जो है वो जनरली हम ड्रिलिंग ऑपरेशन में ज्यादा यूज करते हैं ठीक है जैसे कि आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है टैपिंग ऑपरेशन होता है इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए रीमिंग ऑपरेशन होता है ठीक है रीमिंग यानी कि होल फिनिशिंग ऑपरेशन है चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है ये भी ड्रिलिंग ऑपरेशन चैम्फरिंग मतलब किसी होल की जो एज है उसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए ठीक है थोड़ा सा वाइड करने के लिए काउंटर बोरिंग काउंटर बोरिंग क्या होती है बच्चों यानी कि एक ही होल में दो डायमीटर मिल जाए आपको यानी कि जो होल है आपका एक डायग्राम बनाऊ अगर मैं आपका ये काउंटर ये. बोरिंग ये है मतलब होल है ये आपका इस प्लेट में ऊपर अलग डायमीटर है होल का और नीचे अलग डायमीटर है होल का दिस इज काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग काउंटर सिंकिंग में क्या होता है बच्चों काउंटर सिंकिंग में अगर आपकी याद हो काउंटर को थोड़ा सा बेवेल्ड कर देते हैं बेवेल्ड टेपर बना देते हैं ये आपका होल हो गया ये काउंटर सिंकिंग बहुत सारी ये तो खैर है हम ड्रिलिंग में पढ़ लेंगे एंड सिमिलर ऑपरेशन समझ में आ गई बात तो जिक्स जो है वो ड्रिलिंग में यूज होते हैं याद रखिएगा जितने भी ड्रिलिंग के ऑपरेशन है वहां पर हम जिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिक्स का इस्तेमाल करते हैं समझ में आई बात ओके जिक्स का इस्तेमाल करते हैं अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ जिक्स है क्या जिक्स के फंक्शन क्या हैं ठीक है सबसे पहला फंक्शन देखते हैं सबसे पहला ओके सबसे पहला फंक्शन क्या है बच्चों

लोड करो ऑपरेशन करो अनलोड करो अगला वर्कपीस लोड करो ऑपरेशन करो अनलोड करो ऐसा ना हो कि बार बार आपको बार बार आपको मेजरमेंट लेना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी प्लेट है और इस प्लेट में एक होल यहां होना है और एक होल यहां होना है तो अब आप अपना जिग इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ड्रिल बिट ऑटोमेटिकली इसे जैसे ही आपने फिक्सर और जिग में लगाया ड्रिल ऑटोमेटिकली यहां पहुंच जाए और यहां आ जाए यहां आ जाए तो बार बार वही होगा वही होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सिंपल सा देता हूं समझिएगा ये मान लीजिए लकड़ी का कोई बोर्ड है इट इज अ बोर्ड ऑफ वुड अब आपको इसका ये हिस्सा कट करना है इतना इतना हिस्सा कट करना है मान लीजिए यानी कि ये वाला हिस्सा कट करके बाहर निकालना है तो आप क्या करो अब एक यहां पर इस तरीके का जिग बना लो कि जब भी बोर्ड पे आप उसे यहां रखेंगे ठीक है यानी कि जिग जो है यहां से और यहां से आगे नहीं बढ़ सकता तो जैसी आप जिग यहां रखेंगे ये हर एक बोर्ड का बराबर हिस्सा ही बा, बाहर निकलेगा इसे कट कर दीजिए तो आपको बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं आपने मेजरमेंट जो है वो जिग में दे दिए फिक्सर में दे दिए ओके तो क्लैंपिंग का काम करता है जिससे टूल बहुत अच्छा। आसानी से गाइड होता है पहली चीज दूसरा आपका दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों जिग का पहली बात तो याद रखना जिग इंडिपेंडेंट है।, है कटिंग टूल ना कि कटिंग टूल पर जिग डिपेंड करेगा यह याद रखना जिग के डिजाइन के हिसाब से कटिंग टूल आपका गाइड होगा ना कि कटिंग टूल के हिसाब से जिग की लोकेशन मिलेगी ऐसा नहीं होता है जिग बिल्कुल अलग चीज है आप अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिग इंडिपेंडेंट है या नहीं यस yes, इंडिपेंडेंट ठीक है और याद रखना जिग हमेशा क्या होगा मशीन टूल की जो टेबल होती है उससे कनेक्ट होता है हमारे दिमाग में क्या रहता है हमारे दिमाग में यह रहता है कि भाई ये जो जिग है वो आपका क्या करता है वो वो होता है जो ड्रिल बिट को होल्ड करता है नहीं जिग हमेशा <laughs> मशीन टूल की जो वर्क टेबल है वहां पर फिक्स होगा वहां पर फिक्स होगा ठीक है वहां पर फिक्स होगा और इस तरीके से फिक्स होगा इस तरीके से फिक्स होगा कि किसी भी कंपोनेंट की मशीन पर लोडिंग और अनलोडिंग जो है उसे उसमें आसानी हो जिग का एक और काम यह है कि वो कंपोनेंट की मशीन पर लोडिंग अनलोडिंग बहुत ही स्मूथ आसान कर देता है बहुत आसान कर देता है जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक दीवार बना दू यहां पर मैं एक दीवार मान लीजिए दीवार है इस तरीके से ये दीवार है या कोई कमरे की ऐसी वॉल है ठीक है अब आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं बच्चों ये वाला पोर्शन अब इस पोर्शन में मान लीजिए ये टेबल आनी है ऐसे टेबल आनी है तो अब ये टेबल ना इसमें डायरेक्ट पहुंचाइए आप क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया है अब आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं है कि भैया इस टेबल को हम कहां रखें कितना इधर रखें कितना उधर रखें नहीं आप इस तरीके से इस हिस्से को डिजाइन करेंगे कि टेबल इसमें पूरी फिट हो जाए तो लोडिंग अनलोडिंग बहुत आसान हो गई है नहीं टेबल की अब कोई भी टेबल आएगी वो सीधा इसमें फिट हो जाएगी इस तरीके से डिजाइन किया इसे कहते हैं जिग आई होप आपके समझ में आ रहा होगा हम बेटा एसएससी में भी तो जा रहे हैं प्रोडक्शन मैंने कल से पोर्टल पे क्लास शुरू करी है लगभग सभी बैचेज में मेरी क्लास जा रही है सो डोंट वरी सब जंगा होंगे ये टॉपिक ओके क्लियर आगे बढ़ते हैं थर्ड थर्ड फंक्शन देखिए जिग जो है बच्चों वो लोकेटिंग डिवाइस है ठीक है द थर्ड फीचर ऑफ जि दैट इट हैज लोकेटिंग डिवाइस इसमें लोकेटिंग डिवाइस होती है अभी आगे बताऊंगा लोकेटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती टू पोजिशन देने के लिए किसी कंपोनेंट को जिग में लोकेटिंग डिवाइस होती है अभी आगे देखेंगे कौन कौन सी होती है लोकेटिंग डिवाइस होती है अब ये लोकेटिंग डिवाइस इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि कंपोनेंट की लोडिंग अनलोडिंग बहुत आसान हो जाए सोचना ना पड़े अगर मान लीजिए आपको पता है कि किसी प्लेट में होल करना है और आपको यह डायमेंशन बार बार लेनी पड़ रही है तो बहुत कम प्लेट में होल होगा या नहीं लेकिन अगर आपका ड्रिल बिट ऑटोमेटिकली ही यहीं जाएगा बिना कुछ सोचे समझे तो आप बहुत सारी प्लेट एक दिन में होल कर देंगे ड्रिल कर देंगे तो यही काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि भैया किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बने उतने ही टाइम में इससे क्या होता है कंपोनेंट सस्ता होता चला जाता है कंपोनेंट सस्ता होता चला जाता है ठीक है ओके अब जिक का अगला जो चौथा फीचर या फंक्शन है वो याद रखना ये वर्कपीस को ग्रिप प्रोवाइड कराता है और वर्कपीस को ग्रिप प्रोवाइड कराने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस का यूज करते हैं क्लैंपिंग डिवाइस का यूज करते हैं तो जिग का एक हिस्सा तो लोकेटिंग डिवाइस कहलाता है और एक हिस्सा क्लैंपिंग डिवाइस कहलाता है लोकेट करना मतलब पोजीशन कहां आनी है कटिंग टूल की वर्कपीस कहां रखे किस तरीके से रखें कि कटिंग टूल हमेशा यहीं आए इसे कहते हैं लोकेटिंग डिवाइस और क्लैंपिंग डिवाइस का मतलब होता है कि वर्कपीस जब मशीनिंग हो रही हो तो हिले नहीं इधर उधर ना हो जाए वरना एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी इसे कहते हैं क्लैंपिंग इसे क्या कहते हैं बच्चों क्लैंपिंग क्लैंपिंग बात समझ में आ गई ठीक है अब क्लैंपिंग के कई मेथड हैं क्लैंपिंग के कई तरीके हैं जैसे सबसे पहला क्या है बच्चों थ्रेडेड फेस्टनर्स जैसे कि नट एंड बोल्ट थ्रेडेड फेस्टनर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों नट एंड बोल्ट नट एंड सॉरी बोल्ट आई एम सॉरी बोल्ट नट एंड बोल्ट जो होते हैं नट एंड बोल्ट एक होते कैम पढ़ाऊंगा ये आपको मैं कैम क्लैम्प क्या होते हैं एक होते हैं बच्चों वी टाइप के स्लाइडिंग क्लैम्प वी टाइप के स्लाइडिंग क्लैम्प होते हैं न्यूमेटिक है, है. क्लैंप होते हैं हाइड्रोलिक क्लैंप होते हैं ये आपके पांच तरह के क्लैंप होते हैं बट इनमें से हम कुछ ही पढ़ेंगे चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे वो ए का एग्जाम हो इतना डिटेल नहीं आता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं पांचवा फंक्शन पांचवा फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन आ सकता है और अगर आया तो मुश्किल क्वेश्चन में काउंट हो गए गाइडिंग बुश जो होते हैं वो या तो फिक्स होते हैं जिक्स के साथ या फेस्टेंड होते हैं जिक्स के साथ फेस्टेंड का मतलब होता है या तो नट एंड बोल्ट या रिविटिंग या स्टेपलिंग ये सारी चीजें फेस्टेंड कहलाती हैं ठीक है फिक्स का मतलब है बिल्कुल फिक्स जैसे वेल्डिंग कर दिया या उसी के साथ कास्टिंग कर दी जिक के साथ तो जो गाइडिंग बुश होते हैं ना वो या तो फिक्स फिक्स भी हो सकते हैं फैस भी हो सकते हैं किससे जिग की बॉडी के साथ जिग की बॉडी के साथ और इन्हीं गाइडिंग बुश का काम होता है कटिंग टूल को गाइड करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिग कटिंग टूल को गाइड करता है लेकिन किसकी मदद से तब आपका आंसर होगा भैया बुशिस की मदद से बुश की मदद से समझ में आई बात ठीक है और खास तौर से ड्रिलिंग में रीमिंग में फेस मिलिंग कटर के साथ तो ऐसा है ही कि वहां बुशेज यूज होते हैं ठीक है इससे क्या होता है कि टूल और वर्कपीस टूल एंड वर्कपीस बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन में आ जाते हैं एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन में आ जाते हैं बच्चों एक बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन एक्वायर कर लेता है कोई भी वर्कपीस कटिंग टूल के रेस्पेक्ट में ठीक है बिल्कुल अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम की मदद मतलब से भी आप समझेंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूं ये बातें मैं कह रहा हूं ना अभी इन्हें देखेंगे भी कि क्या मैं कह रहा हूं ठीक है अब कई तरह के बुश होते हैं जैसे एक प्लेन बुश होता है खैर इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बुश का काम है गाइडिंग करना कटिंग टूल को कैसे बाय मेकिंग करेक्ट रिलेटिव पोजिशन इन बिटवीन वर्क पीस एंड कटिंग टूल और कटिंग टूल के बीच एक रिलेटिव एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन आपको देगा सर बुश और टूल के बीच में अभी बताऊंगा बेटा विशाल अभी बताऊंगा ठीक है अभी बताऊंगा डोंट वरी ओके ड्यूरिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड मेजरमेंट डिवाइस बुश मटेरियल। बुश मटेरियल। अभी सब बताऊंगा बेटा अभी पढ़ाया कह अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ओके अब ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना ठीक है, जिक्स जो होते हैं जिक्स आ, एक सेकंड हां जिक्स जो होते हैं वो वर्क टेबल पे क्लैंप होते हैं ठीक है जिक्स जो है अगर कोई आपसे पूछता है कि जिक्स और फिक्सर में से हमेशा वर्क टेबल से कौन क्लैंप होता है ठीक है चलिए काम करता हूं इसे अभी फिक्चर पढ़ा देता हूं पहले फिक्चर देखते हैं उसके बाद वो हम स्लाइड देखेंगे ये देखिए फिक्सर फिक्चर एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिग भी वर्क होल्डिंग डिवाइस है दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि जिग कटिंग टूल को होल्ड करता है दोनों वर्क होल्डिंग डिवाइस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फिक्चर इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस अब इसका काम क्या होता है सपोर्ट करना या होल्ड करना और लोकेट करना किसे वर्क पीस को दैट्स इट इसका यही एक काम है ये कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है डज नॉट गाइड द कटिंग टूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है हां इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे बेंच वाइज मशीन वाइज या चक ये सारे फिक्सर्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों फिक्सर ये फिक्सर होता है इनका काम है वर्कपीस को होल्ड करना सपोर्ट करना लोकेट करना लेकिन कटिंग टूल से इनका कोई संबंध नहीं होता है कटिंग टूल का संबंध होता है जिग से जिग से तो किसी भी मशीन में नोटिस कीजिएगा या तो जिग होगा या फिक्सर होगा दोनों एक साथ यूज हो इट इज क्वाइट रेयर ये थोड़ा सा रेयर होता है ये थोड़ा सा रेयर होता है बट अगर दोनों यूज करते हैं आप क्योंकि महंगे इक्विपमेंट है दोनों यूज करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. ठीक है हाँ अब याद रखना फिक्सर जो होता है फिक्सर ये हर हर पार्ट के लिए अलग से डिजाइन किया जाता है याद रखिएगा ठीक है और जिग तो ऐसा है भी जो कॉमन हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट के लिए फिर से सुनिए जिग के साथ यह पॉसिबल है कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए वो क्या हो बच्चों अलग अलग कंपोनेंट के लिए वो क्या हो आपका एक बन जाए लेकिन फिक्सर हमेशा अलग बनेगा चाहे कितना ही छोटा सा बदलाव क्यों ना हो कंपोनेंट हमेशा अलग बनेगा ठीक है तो ये तो देखा ही होगा आपने वाइज मशीन वाइज ये सारी चीजें ये में आती हैं। अब देखिए जैसे मैं टर्निंग दिखाता हूं आपको लेथ, का। ये लेथ मशीन है इसका टर्निंग फिक्चर देखिए ये चक, ये हो गया और इधर ध्यान से देखिए एक फिक्सर ये है बच्चों ये वाला इसे कहते हैं बच्चों टी बोल्ट फेस प्लेट क्या कहते हैं बच्चों इसे टी बोल्ट फेस प्लेट तो ये क्या करती है वर्कपीस को क्लैम कर देती है अब वर्कपीस की पोजिशन आ, कटिंग टूल को पता है कि भैया यहां से लेकर यहां तक ही वर्क पीस की पोजिशन है बस इससे ज्यादा नहीं है जो भी ऑपरेशन है यहां होगा तो चक भी आपका एक फिक्सर है और साथ साथ फेस प्लेट विद टी बोर्ड ये भी आपका एक आपका क्या है बच्चों फिक्सर है तो टर्निंग में इस तरीके से यूज कर सकते हैं ओके ठीक है अब देखिए जिग और फिक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं एक सिंपल वे में समझते हैं जिग जो होता है देखो वर्कपीस को इन दोनों रॉड ने होल्ड किया है लोकेट किया है लोकेट किया कि भैया जो भी ऑपरेशन है ना वो इस रेंज के अंदर अंदर होगा इस रेंज के अंदर अंदर होगा इसे कहते हैं लोकेट करना इसे कहते हैं लोकेट करना सपोर्ट और होल्ड तो कर ही रहा है वर्कपीस को ये दोनों रॉड लेकिन साथ साथ सिर्फ इतने पोर्शन पर आपका क्या होगा वो होगा यहां पर ठीक है यहां पर आपका सिर्फ इतने ही पोर्शन पे आपका ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है सिर्फ इसी पोर्शन पे आपका ऑपरेशन होगा यहां पर ये दिख नहीं रहा साफ मैं आपको बना देता हूं ये देखिए ये आपका बुश है ये बुश है बुश ये यहां पर बुश है बच्चों याद रखना तो ये बुश इस कटिंग टूल को क्या करेगा बच्चों आ, वो करेगा गाइड करेगा गाइड करेगा डियर ठीक है गाइड करेगा अब आते हैं फिक्सर में अब देखिए फिक्सर में बुश नहीं है फिक्सर में बुश नहीं है क्यों क्योंकि फिक्सर का, का काम कटिंग टूल को गाइड करना नहीं है फिक्सर का काम कटिंग टूल को गाइड करना नहीं है याद रखना बच्चों ठीक है गाइडिंग द टूल एंड लोकेटिंग द वर्क पीस तो सेम ही होगा ना, ना नहीं, 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 नहीं नहीं बिल्कुल गलत है लोकेट गाइडिंग द टूल का अब गा, अगर गाइड हो रहा है टूल तो जरूरी नहीं सही लोकेशन पर हो रहा है सही लोकेशन हो उसके ऊपर टूल कटिंग टूल गाइड हो अब मान लीजिए आपका यहां से यहां तक के हिस्से में ऑपरेशन करना है अब अगर मैं इस बुश को थोड़ा इधर लगा दूं यानी कि बुश मेरा इधर लग जाए अगर तो अब इतना सरफेस कहीं पर भी यह कटिंग टूल जा सकता है या नहीं तो इसलिए गाइड का मतलब होता है कटिंग टूल सही लोकेशन पर पहुंचे लेकिन लोकेशन कहां से मिलेगी लोकेशन के लिए वर्क पीस को लोकेट करना पड़ेगा आई बात समझ में ठीक है बच्चों सर बुश और टूल के बीच कितना गैप होता है बेटा बुश और टूल के बीच मैं आपको बताऊंगा अभी आगे पढ़ेंगे एक छोटी सी अलायंस होती है जिसमें से चिप मटेरियल या वेस्टेज बाहर निकल जाए बस इससे ज्यादा गैप नहीं होता इससे ज्यादा गैप नहीं होता ओके प्लीज मेंशन बुश अगेन ये कह रहे हैं बच्चे गौरव दास गुप्ता कह रहे हैं प्लीज अगेन मेंशन बुश इज ए पैसेज फॉर कटिंग टूल बुश का मतलब अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा आगे दैट विल क्लियर मोर पिक्चर वो बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर करेगा भाई बुश अगर मान लीजिए बुश है ना आपका इधर मान लीजिए बुश नहीं होता अगर यहां पर अब इस बुश की वजह से क्या हो रहा है कटिंग टूल को सिर्फ इतने पोर्शन में ही ऑपरेशन करना है तो आपने क्या किया एक डायरेक्शन दे दी कटिंग टूल को ना तो कटिंग टूल अब इधर जाएगा ना इधर ठीक इसके बीच में से गुजरेगा तो पैसेज फॉर द कटिंग टूल विच गाइड द कटिंग टूल ये होता है बुश ओके ओके गाइडिंग एंड लोकेटिंग अलग है बिकॉज हाँ ये हो गया जैसे जिक्स में लोकेट भी हो बट फिक्चर में नहीं है ओके okay? बेटा क्या पढ़ रहे हो तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो सत्येंद्र बेटा पिक्चर भी लोकेट करता है गाइड नहीं करता है फिर से लिख देता हूं यहां पर लोकेश, लोकेट एंड गाइड दोनों काम होते हैं दोनों काम होते हैं यहां पर ओनली लोकेट होता है ठीक है एक चीज और लिख दो चाहे होल्ड और बताओ सपोर्ट या होल्ड कुछ भी लिख सकते हो यहां पे भी होल्ड एंड लोकेट होता है प्लीज कंफ्यूज मत हुई है कंफ्यूज मत हो जाइए मेरे बच्चों ठीक है प्लीज समझिए इस बात को यहां पर आपको ये तीन चीजें मिलेंगी यहां पर यहां पर सिर्फ दो चीजें मिलेंगी यहां बुश है नहीं ना तो आप देखिए जो आपका कटिंग टूल है वो यहां पे भी होल कर सकता है भाई मशीन इधर कर दीजिए आ जाएगा यहां पे भी होल कर सकता है यहां पे भी तो यहां गाइडिंग नहीं है फिक्चरिंग में गाइडिंग नहीं होती आई होप इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा ठीक है काफी क्लियर हो गया होगा ओके ओके सत्य नो प्रॉब्लम बेटा तुम सुन रहे हो ध्यान से दैट इज वेरी एनफ वो बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ जिक्स एंड फिक्सर जिक्स एंड फिक्सर में क्या क्या पाया मतलब उसमें होता क्या है ठीक है होता क्या है अब ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनेंगे शुरू के तीन जो एलिमेंट हैं बॉडी लोकेटिंग डिवाइस क्लैंपिंग डिवाइस ये जिग्स एंड फिक्सर में कॉमन है लेकिन टूल गाइडेंस जो है आपकी वो ओनली फोर जिग है ओनली फोर जिग्स वो सिर्फ और सिर्फ जिक्स के लिए है याद रखना तो जिक्स एंड फिक्सर के बेसिकली चार हिस्से होते हैं पहला होता है बॉडी बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की अब देखिए यहां मैं मटेरियल बताता चल रहा हूं और फंक्शनिंग बताता चल रहा हूं बॉडी का काम होता है बॉडी होती है बनी कास्ट आयरन की किसी भी जिक्स या फिक्सर दोनों में से किसी की भी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका काम क्या होता है ये ही सपोर्ट और हाउस कहते हैं घेरना घेरना जॉब को घेरना तो जॉब को घेरने और सपोर्ट करने का काम यही बॉडी ही करती है और याद रखना यह बॉडी हीट ट्रीटेड होती है इस बॉडी को हीट ट्रीटेड अब हीट ट्रीटेड मतलब हार्ड एंड सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं कार्बोराइजिंग कर दो साइनाइडिंग कर दो नाइट्राइडिंग कर दो ठीक है इससे वियर कम हो जाती है इस हार्डनिंग से क्या फायदा होता है बच्चों वियर रेजिस्टेंस किसी भी जिग एंड टूल का जो घिसाव है वो कम हो जाता है वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्लियर दूसरा जो पोर्शन है दैट इज लोकेटिंग डिवाइस लोकेटिंग डिवाइस हार्ड एंड स्टील की बनी होती है हार्ड एंड स्टील की बनी होती है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है टू लोकेट द वर्क पीस इन जिक्स एंड को लोकेट करना किस पोजीशन पर ऑपरेशन करना है उसको लोकेट करने का, का काम ये ये लोकेटिंग डिवाइस करते हैं ज्यादातर ज्यादातर पिन के जैसे होते हैं जैसे पिन होती है ना पिन पिन होती है बच्चों पिन का एक हेड होता है और एक शैंक होता है यही तो होती है पिन इसी तरीके की तो पिन होती है तो ये ज्यादातर पिन के जैसे होते हैं पिन के अब याद रखना जिस पिन में पिन जिस होल में से अब पिन का मतलब है उसे किसी होल में जाना पड़ेगा तो जो डायमीटर होता है इसके शैंक का और जिस होल में से जाना होता है उन दोनों में डिफरेंस समझना उन दोनों में एक चीज बताता हूं पिन जिस होल में से जाएगी उसका डायमीटर पिन के शैंक के डायमीटर से कम होगा यानी कि थोड़ा टाइट चलना है पिन को पिन का काम कब पॉसिबल है यानी कि मान लीजिए कोई बोर्ड है उस पर आपको पिन लगानी नोटिस लगाने के लिए तो तभी तो फायदा मंद होता है ना कि जब पिन को बहुत टाइट तरीके से अंदर आप घुसाएंगे तो पिन का काम ही तभी सक्सेसफुल होता है कि वो जिस होल में से गुजर रही है उसमें वो थोड़ा टाइट चले वो थोड़ा टाइट चले ठीक है हां समझ में आ गई बात तो अब क्या होगा मान लीजिए ये पिन है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा मान लीजिए ये पिन है ओके okay, ये पिन है और इसके नीचे आपने एक वर्कपीस को दबा दिया ये वर्कपीस है इसको आपने इसके नीचे दबा दिया अब दबाने के लिए किसी ऐसे होल में से जाना पड़ेगा या नहीं ऐसे होल में से जाना पड़ेगा ये, ये देखिए इस प्लेट में से इस प्लेट में से गुजारना पड़ेगा या नहीं ये आपका वर्क पीस है यह आपका जिग या फिक्सर कुछ भी मान लीजिए ये जिग या फिक्सर है और ये आपकी पिन है अब पिन को इस वर्कपीस को दबाना है एक जगह रोकना है तो ये क्या होगा इस पिन को खूब अच्छी तरह नीचे तक दबाना है तो याद रखना बच्चों तभी पॉसिबल है जब पिन इस होल में टाइट चलेगी टाइट चलेगी आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको सर बाय लैंग्वल है मुकेश बाय लैंग चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्लैंपिंग डिवाइस क्लैंपिंग डिवाइस जो है प्यारे बच्चों ये वर्कपीस को होल्ड करने का काम करती है क्लैंपिंग जैसे कि आपने देखा होगा बेंच वाइज बेंच वाइज में दो जॉज होते हैं वाइस के उनके बीच में वर्कपीस को रख के उसे टाइट करते हैं तो इसे क्लैंपिंग है बच्चों। है? बेंच में। तो इससे क्या होता है बच्चों कि एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है थोड़ा सा ठीक है जब भी आप किसी वर्कपीस को क्लैंप करेंगे तो ये जो लोकेटर पिन है ये जो लोकेटर पिन है इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा अब इस प्रेशर से पिन बाहर ना निकल जाए इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसका डायमीटर छोटा इसके होल का इस पिन का होल का जो डायमीटर होता है वो छोटा बनाते हैं भाई क्लैंपिंग से इन पिन पर प्रेशर पड़ता है अब इस प्रेशर से पिन कहीं बाहर ना निकल जाए इसी वजह से पिन जिस होल में से गुजरती है उस होल का डायमीटर इससे कम होता है समझ में आई बात बच्चों हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं वर्क पीस में होल्ड नहीं होना ये क्या अपनी तरफ से बहुत बताओ बेटा अरे कुछ ऐसा मान के चलो बच्चों के मान लीजिए वर्क पीस है इसे मुझे यहां पर होल्ड करना है यहां पर यहां पर मुझे इसे होल्ड करना है तो मैं अपनी उंगली से इसे ऐसे रोक दू तो ये पिन हो गई बच्चों ये पिन हो गई समझ में आ गई बात मेरी उंगली पिन हो गई और ये वर्क पीस आपका होल्ड हो गया तो अब इस पिन से इस वर्कपीस को रोकने के लिए क्या मुझे होल की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी नहीं पड़ी अच्छी बात है मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे अपने डाउट या कोई भी बात पूछते हैं ठीक है दैट इज वेरी गुड नेक्स्ट अब लोकेटिंग पिन होती कैसे कैसे आइए देखते हैं ये देखिए ये है पिन ये पिन है ये भी पिन है एक ये भी पिन है और ये भी पिन है ध्यान से देखिए तो इस पिन ने इस वर्कपीस को इधर जाने से होल्ड कर दिया वर्क पीस इस पिन से इधर जा ही नहीं सकता इस पिन पर आइए वर्कपीस इस पिन से नीचे आ ही नहीं सकता और ऊपर से अगर कोई ऑपरेशन होगा तो सपोर्ट भी करेगा यह पिन इधर वर्कपीस इस पिन में इधर नहीं जा सकता ठीक है अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें समझाऊंगा डोंट वरी तो जो लोकेटिंग पिन है आप देख रहे हैं कि वर्कपीस को इस तरीके से लोकेट करते हैं तो बहुत सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन है आगे और अच्छा आएगा ओके okay. अब ये जो पिन लोकेटर हैं, ये कई तरह के होते हैं जो पिन लोकेटर हैं, ये कई तरह के होते हैं तो लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके मैथड्स हैं उसके मैथड्स हैं बच्चों कैसे मैथड्स हैं सबसे पहला ये जो लोकेटर है ना लोकेटर यानी कि ये जो पिन है ये पिन आप देख रहे हैं या कोई और लोकेटर जो है उसमें सबसे पहला टाइप होता है बच्चों फ्लैट लोकेटर सबसे पहला फ्लैट लोकेटर फ्लैट लोकेटर हमेशा मश फ्लैट मशीन्ड सरफेस के लिए यूज होता है याद रखना यही इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसमें सबसे ज्यादा फ्लैट लोकेटर फ्लैट मशीन्ड सरफेस के लिए ही यूज हो सकता है रफ सरफेस के लिए यूज नहीं हो सकता जो अनमशीन्ड सरफेस है उनके लिए भी यूज नहीं हो सकता और जो फ्लैट नहीं है उनके लिए भी यूज नहीं हो सकता अब दो तीन तरीके हैं तीन तरीके हैं किसी भी जो आपके फ्लैट लोकेटर है उन्हें यूज करने का देखिए यहां पर दो परपेंडिकुलर ये एक सरफेस परपेंडिकुलर ये है और एक ये है तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अब ये वर्क पीस पर मान लीजिए इधर कोई ऑपरेशन होना है या इधर कोई ऑपरेशन होना है तो बस इसे ऐसे रख दीजिए और यहां पर एक छोटा सा कट मार दीजिए अंडरकट कहते हैं अंडरकट कहते हैं अब ये कहीं नहीं जाएगा ऊपर से ऑपरेशन होना है तो भी नहीं हिलेगा इधर से ऑपरेशन होना है तो भी नहीं हिलेगा इसी तरीके से ये पिन है ये पिन देख रहे हैं आप होरिजोनटल बटन कहते हैं इस पिन को होरिजोनटल बटन तो इस पिन को आगे पीछे किया जा सकता है जिससे वर्कपीस की पोजिशन बदली जा सकती है मान लीजिए एक होल तो यहां होना है ऊपर से मान लीजिए अब अगला होल जो है वो यहां होना है यहां तो मैं क्या करूंगा जब मैं यहां है अभी। अब ड्रिल बिट को लाना है तो मैं वर्कपीस को इधर कर दू अगर या पहले ड्रिल बिट इधर था और मैं वर्कपीस को क्या करूं इधर कर दू तो ड्रिल बिट इधर आ जाएगा तो दो अलग अलग पोजिशन पे पिन को छेड़ना है वर्क पीस को नहीं छेड़ना पिन को आगे पीछे करना है आपका वर्कपीस अपनी जगह पर सेट हो जाएगा इसी तरीके से वर्टिकल वर्टिकल में क्या होगा ये इधर अलग रखा है अब वर्क पीस जो इधर नहीं जा सकता है इसे वर्क पीस को इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं बच्चों आपके फ्लैट लोकेटर आप ध्यान से देखिए इन सब के हेड जो है इसलिए फ्लैट, इस फ्लैट, इस फ्लैट लोकेटर कहते हैं इट इज यूज्ड ओनली फॉर फ्लैट मशीन सरफेस ये सिर्फ फ्लैट मशीन सरफेस के लिए ही सूटेबल होता है ठीक है ओके सर हार्ड एंड स्टील मतलब हीट ट्रीटमेंट के बाद वाली बिल्कुल प्रीति सही कह रहे हैं आप ओके आ, ये पढ़ा था डिप्लोमा में अब कुछ याद ही नहीं है अच्छा इसका सिलेबस इतना लंबा था कि मैं बस टाइप पढ़कर ही गया था हां यही होता है ये बेटा एक्चुअली डिप्लोमा लेवल का है भी नहीं ये तो एग्जाम में देने लगे आई डोंट नो ठीक है अगला देखते हैं बच्चों अगला लोकेटर। अगला लोकेटर लोकेटर है बच्चों लोकेटर ये ये सेकंड सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप है है अब ध्यान से सुन लीजिए किसे लोकेट करने के काम आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लोकेट करता है ये आपसे नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा डोंट वरी देखो सिलेंड्रिकल लोकेटर है बच्चों ध्यान से देखना मेरी बात ध्यान से ओके आपका वर्कपीस है यह वर्कपीस है डियर यह वर्कपीस सॉरी सॉरी आई एम सॉरी हा यह आपका वर्क पीस है यह ये, ए ये वाला दिस इज द वर्क पीस ये गलत दिखाया हुआ है वर्क पीस यह है बच्चों ये सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल इसके बीच में होल है इसके बीच में होल है यह आपकी वर्क टेबल है यह वर्क टेबल अब ध्यान से देखना जिसे मैं हैच करूंगा वही पिन है उसके अलावा और कोई पिन नहीं है तो ये आपकी पिन है ध्यान से देखना ये पिन है ये दिस इज पिन ये बीच वाला हिस्सा ये है आपकी पिन ये इसने ऐसे वर्कपीस कह दिया ना नहीं ये गलत है वर्कपीस आपका ये है बच्चों याद रखना ये ठीक है अब ध्यान से देखिए ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस इस पिन की वजह से इधर उधर नहीं हो सकता ये अपनी जगह फिक्स हो गया ये अपनी जगह फिक्स हो गया है। तो जो सिलेंड्रिकल लोकेटर होते हैं प्यारे बच्चों सिलेंड्रिकल लोकेटर याद रखना उन्हीं कंपोनेंट पर यूज करते हैं जिनमें होल हो जिनमें होल हो अगर होल नहीं है किसी कंपोनेंट में तो सिलेंड्रिकल लोकेटर यूज नहीं कर सकते आप होल होना जरूरी नहीं सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर होगा पिंज होगी सिलेंड्रिकल होगी जो कि अंदर जाएगी होल के उसे फिक्स करने के लिए अगर किसी होल की भी प्लेट के अंदर आप ऐसे ये पिन लगा दे और इसे नीचे से फिक्स कर दे तो अब ये वर्कपीस फिक्स है ये आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जा सकता नहीं जा सकता समझ में आई बात हाँ, ठीक है द सिलेंड्रिकल कंपोनेंट टू बी लोकेटेड इज ग्रिप्ड बाई ए सिलेंड्रिकल लोकेटर फिटेड टू द जिग्स बॉडी अब ये क्या होता है ये सिलेंड्रिकल पिन इंसर्ट की जाती है ड्रिल्ड होल में ड्रिल होल में इंसर्ट की जाती है जिससे कि जिससे कि बच्चों क्या होता है आपका कंपोनेंट फिक्स हो जाता है कंपोनेंट फिक्स हो जाता है ठीक है अब एक क्लियरेंस सिर्फ कितनी क्लियरेंस छोड़ते हैं इस पिन में और इस होल में क्लियरेंस कितनी होगी अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं उसी कहते हैं स्वार्फ क्लियरेंस क्या कहते हैं बच्चों स्वार्फ क्लियरेंस पिन और इस होल के बीच ठीक है मान लीजिए होल है और ये मान लीजिए पिन है ये पिन है ये होल हो गया बेटा इस तरीके से ये होल है और ये पिन अब देखिए यहां पर एक क्लियरेंस है ये छोटी सी इस क्लियरेंस को हम क्या कहते हैं स्वार्फ क्लियरेंस कहते हैं तो जो स्वार्फ क्लियरेंस होती है इसका मतलब होता है जो चिपिंग होगी मशीन टूल कटिंग टूल जब कट करेगा मशीनिंग करेगा तो जो चिप्स बनेंगे मटेरियल रिमूव होगा वो इसमें से गिर जाए बस बस इतना इतना हम करते कूलेंट निकल जाए उसे हम क्लीयरेंस कहते हैं कहते हैं ठीक है नेक्स्ट तो दो तरह के पढ़ लिया आपने फ्लैट लोकेटर सिलेंडरकल लोकेटर नेक्स्ट नेक्स्ट इज कोनिकल लोकेटर नेक्स्ट है आपका कोनिकल लोकेटर कोनिकल लोकेटर कोनिकल लोकेटर जो है प्यारे बच्चों ध्यान से रखना यह भी होल की हुई प्लेट के लिए ही सुटेबल है यानी कि जो प्लेट या कोई कंपोनेंट जिसमें होल होगा उसी के लिए यह कॉनिकल लोकेटर है ये ये ध्यान से देखिए ये ये कॉनिकल लोकेटर है तो यह भी होल की हुई प्लेट के लिए सुटेबल है बट इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है वो नोट कीजिए क्या होता है बहुत बड़ा फायदा है याद रखना सिलेंड्रिकल होल होगा जिस प्लेट में उसी के लिए हम यूज करेंगे उसी के लिए हम यूज करेंगे और कोनिकल कोनिकल शेप का लोकेटर होगा इस टाइप का लोकेटर होगा बच्चों याद रखना लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा जो कि सिलेंड्रिकल लोकेटर में नहीं पाया जाता क्या कोनिकल लोकेटर इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर कोनिकल लोकेटर अच्छा माना जाता है क्यों माना जाता है बिकॉज इट हैज ए कैपेसिटी टू अकोमोडेट ए स्लाइट वेरिएशन इन द होल डायामीटर यानी कि अगर इस होल डायामीटर में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी है उससे भी एडजस्ट कर देगा कोनिकल लोकेटर तो क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया कि एक ड्रिल्ड होल की हुई एक होल ड्रिल की हुई प्लेट है जिसका साइज वेरी कर रहा है जिसका साइज वेरी कर रहा है तो बताइए ठीक है कौन से लोकेटर से इसे होल्ड करना सुटेबल रहेगा आपका आंसर क्या होगा बच्चों कोनिकल लोकेटर निकल लोकेटर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन याद रखिएगा है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों याद रखिएगा क्लियर हां क्लियर ओके ओके नाउ ठीक है और इस वेरिएशन की वजह से जो एक्यूरेसी आती वो भी नहीं आएगी वो भी नहीं आएगी अब मान लीजिए मान लीजिए अगर आप नोटिस कीजिए अगर आप अब देखो ये प्लेट ना इस इस कॉनिकल लोकेटर के ऊपर ऐसे रोटेट कर सकती है ध्यान से सुनना ये प्लेट जो है इस लोकेटर के ऊपर ऐसे रोटेट कर सकती है कर सकती है नहीं जैसे आपकी उंगली पर कोई डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट कर सकती है जैसे सी करती है तो इस रोटेशन को भी आप खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेम्पलेट एक टेम्पलेट प्लेट को यहां रख दीजिए ऐसे एक टेम्पलेट प्लेट को आप यहां रख दीजिए ऐसे बच्चों तो ये आपकी जो वर्कपीस है ये रोटेट भी नहीं होगा जेड एक्सिस इसे जेड एक्सिस मान रहा है जेड एक्सिस के अबाउट क्लियर ओके नेक्स्ट इज जैक पिन लोकेटर जैक पिन लोकेटर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रफ वर्कपीस के लिए सुटेबल है इससे पहले जो आपने पढ़े फ्लैट लोकेटर सिलेंड्रिकल लोकेटर या कोनिकल लोकेटर ये तीनों जो हैं, ये मशीन्ड सरफेस ड्रिलिंग होल के लिए थे भाई सिलेंड्रिकल और कोनिकल और फ्लैट भी मशीन सरफेस के लिए सुटेबल था लेकिन जैक पिन लोकेटर रफ सरफेस के लिए सुटेबल है रफ सरफेस के लिए सुटेबल है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यही एग्जाम में आते हैं बच्चों रफ सरफेस के लिए कौन सा लोकेटर यूज करोगे तो ठीक है जैक पिन लोकेटर इज यूज फॉर रफ वर्क पीस ठीक है वर्क पीस अब क्या होता है यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा ये वर्क पीस ये है ठीक है सॉरी हाँ वर्क पीस आपका क्या है बच्चों मान लीजिए ये है ये ठीक है तो ये पिन होती है दिस इज द जैक पिन जैक पिन ये आपकी जैक पिन होती है यहां पर एक स्प्रिंग लगा रहता है ऐसे स्प्रिंग तो रफ सरफेस की वजह से ये स्प्रिंग एडजस्ट होता रहता है कोई समस्या नहीं आती कोई समस्या नहीं आती और इस पिन को किसी एक जगह रोकने के लिए लॉकिंग स्क्रू होता है लॉकिंग स्क्रू होता है जैसे वो होता है ना कंपस में पेंसिल लगाई और एक नट घुमा देते हैं जिससे पेंसिल अपनी जगह से नहीं हिलती उसे कहते हैं लॉकिंग स्क्रू इसी तरीके से यह लॉकिंग स्क्रू काम करता है इसे एक जब एक जब जगह पर फिक्स हो जाता है, स्प्रिंग आपका अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है वर्क पीस की सरफेस रफनेस के अकॉर्डिंग तो यह लॉकिंग स्क्रू जो है इसे अपनी जगह पर फिक्स कर देता है फिक्स कर देता है ठीक है तो याद रखना यह सुटेबल मेथड है किसके लिए उन कंपोनेंट के लिए जिनमें रफनेस या अनमशीन सरफेस होते हैं या जिनकी डायमेंशन जो है बेरी करती है जिनके कोई फिक्स डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट ओके ड्रिल बुश लोकेटर अब ये तो आपको बताई दिया मैंने कई बार ड्रिल बुश लोकेटर बुश तो लोकेट करता ही है ना ड्रिल बुश जहां पर बुश होगा उसी के नीचे तो होल होगा तो बुश वर्कपीस को भी लोकेट कर रहा है कटिंग टूल को तो गाइड करता ही करता है बुश साथ साथ वर्कपीस को भी लोकेट कर रहा है प्यारे बच्चों तो ड्रिल बुश लोकेटर होता है यहां पर ये ये वर्क होता है तो इस तरीके से फिक्स कर देता है इसे अपनी जगह पर फिक्स कर देता है ठीक है इस ड्रिल बुश लोकेटर की जो ओपनिंग होती है वो कोनिकल होती है कोनिकल ओपनिंग होती है आपको बस ये याद रखना है ठीक है कोनिकल होती है क्लियर तो ड्रिल बुश के बारे में तो हम काफी कुछ पढ़ ही चुके हैं नेक्स्ट तीसरा है वी लोकेटर वी लोकेटर ये तो आपको पता ही है ये तो आपको पता ही है। तो ये बहुत ही याद रखना वी लोकेटर सबसे क्विक है और इफेक्टिव मेथड है फॉर लोकेटिंग द वर्क पीस विद डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी यानी कि आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए उस हिसाब से आप वी लोकेटर का यूज कर सकते हैं एक्यूरेसी इज एक्सीज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर याद रखना अपने हिसाब से एक्यूरेसी चाहिए तब आप वी लोकेटर का यूज कर सकते हैं और दूसरा बहुत ही क्विक मेथड है कोई पूछे सबसे क्विक कौन सा है तो आप वी लोकेटर बताएंगे वी लोकेटर देख रहे हैं ना ये वी तो वी लोकेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर या सेमी सर्कुलर टाइप के वर्कपीस को ही होल्ड करता है या तो सर्कुलर मान लीजिए या तो ऐसी कोई रॉड होती है इस तरीके की या फिर ये सेमी सर्कुलर है देखिए सिर्फ इतना सर्कुलर है इसका तो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर जो होता है बच्चों उसी सर पे इसको होल्ड करता है याद रखिएगा ठीक है हाँ तो वी शेप ब्लॉक होता है एक ये इसका मेन पार्ट है वी शेप का ब्लॉक होता है और ये नॉर्मल ये जो ब्लॉक है ये जिग से जुड़ा रहता है जिग से फिक्स रहता है फिक्स रहता है तो ये जो वी ब्लॉक है ना आपका ये फिक्स भी हो सकता है एडजस्टेबल भी हो सकता है दोनों टाइप का हो सकता है दोनों टाइप का हो सकता है याद रखना क्लियर तो ये हो गया वी लोकेटर वी लोकेटर एंड द फाइनल इज डायमंड पिन लोकेटर डायमंड पिन लोकेटर मान लीजिए डायमंड पिन लोकेटर याद रखना सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए यूज होगा जिसमें ड्रिल्ड होल होंगे ड्रिल्ड होल होंगे अब याद रखना है डायमंड पिन लोकेटर में इसका इसका यह मतलब नहीं है कि पिन डायमंड की होगी नहीं दिमाग से ही निकाल दीजिए पिन डायमंड की होगी ऐसा नहीं है बल्कि क्या होगा इसमें दो राउंड शेप की पिन होती हैं जिसमें से एक की शेप तो ये राउंड होगी और एक की डायमंड शेप होगी डायमंड शेप कुछ इस तरीके का होता है ऐसा इस टाइप का ये एक तो पिन बिल्कुल गोल होगी और एक आपकी डायमंड शेप की होगी अब याद रखना जो डायमंड शेप की है देखो जो राउंड पिन है वो बिल्कुल होल में फिट हो रही है लेकिन सिर्फ स्वार्फ क्लियरेंस आपकी होगी छूटेगी लेकिन ये बिल्कुल फिट हो रही है जबकि डायमंड शेप की जो पिन है प्यारे बच्चों वो थोड़ी स्मॉलर होती है छोटी होती है अब इसके छोटे होने का फायदा क्या है नोटिस कीजिएगा छोटे होने का फायदा क्या है कि डायमेंशन वेरिएशन जो है बिटवीन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन दोनों होल के बीच की सेंटर डिस्टेंस ये है इनमें अगर कुछ वेरिएशन है तो उसे ये डायमंड पिन जो है ये एडजस्ट कर देती है क्योंकि दे ना यहां भी होगी साइड और इस साइड भी एक क्लियरेंस नजर आ रही होगी तो ये प्लेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है क्वाइट पॉसिबल हो, हो सकती समझ में आ गई बच्चों समझ में आ गई तो जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में दो होल के बीच में साइज वेरिएशन पाया जाए तो कौन सा लोकेटर यूज करते हैं आपका आंसर होगा डायमंड पिन लोकेटर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना समझ में आई बात हां द एंड प्रिवेंट मोश मूवमेंट अराउंड द पिन ठीक है जो एंड होते हैं ये वाले ये पिन के अराउंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिससे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन साइज में चल जाएगा आप खुद सोचिए ना ये तो सही लग गई आपकी अब आप मान लीजिए ये मान लीजिए ये वाला होल इधर ना होने के बजाय इधर हो गया तो भी तो पिन आपकी सेट हो जाएगी ना क्योंकि पिन में और होल में काफी जगह है तो डायमंड पिन जो होती है वो थोड़ी छोटी शेप की होती है साइज की होती है। आया समझ में बच्चों हाँ डायमंड शेप तो ऐसा होता है हा विशाल जो भी है बेटा वो बेटा ये डायमंड इस शेप का कब का काम सिर्फ अंगूठियों में होता है वैसे डायमंड शेप ये नहीं होती है ओके टेम्पलेट अभिषेक सौंध्या पूछे टेम्पलेट टेंप, क्या बेटा टेम्पलेट एक प्लेट होती है एक्स्ट्रा जो कि हम जिक्स एंड फिक्चर के साथ यूज करते हैं कोई भी प्लेट रख दीजिए ऊपर से ठीक है एक 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 एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए या डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको बताऊंगा पोजिशनिंग में क्या होता है तब हम पढ़ेंगे टेम्पलेट प्लेट क्या होती है ठीक है तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए बच्चों आज इतना ही कीजिए आई होप जिक्स एंड फिक्चर में इतना पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है लेकिन अब इसमें काफी चीजें मुझे आप लोगों को पढ़ानी है तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू रहना इस क्लास में क्योंकि ये टॉपिक आपको नहीं मिलता है जनरली और अकॉर्डिंग टू एग्जाम तो बिल्कुल नहीं मिलता है ठीक है यूनिवर्सिटी uh, लेवल के एग्जाम जो लेक्चर है वो काफी मिल जाएंगे आपको लेकिन ये नहीं मिलते तो प्लीज थोड़ा सा मन को शांत रख के थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस टॉपिक को पढ़ते रहिए क्योंकि इस टॉपिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा फिर आने वाले समय में आपसे नहीं छूटेगा ठीक है तो चलिए बच्चों आज इतना ही अब हम कल को इसे आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट